मुझे माफ कर दो गुस्सिया, हसीम भाई मुझे माफ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं, जो दिल चाहे मुझे सजा दे दो, मगर मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। रबिया आखिर हुआ क्या है, कुछ बोलो तो। रबिया आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ ना। शावेज निकाह करके अपनी बीवी को घर लेकर आ गया। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है रबिया, लोगों को क्या जवाब देंगे? जानते हो ईशल की क्या हालत होगी, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? लेकिन रक्षी आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है इसमें? आपको पता है मैं तो खुद तैयार हो रही थी यहाँ आने के लिए, और वो असीम आप संभाले खुद को। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा? पापा आप ठीक तो है ना? और पप्पू इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, शावेज का हक था, उसने कहीं और शादी कर ली, लेकिन ऐसी कोई बात है जिसपे आप लोग इतना रोए? हद करती हो ईशल, हमें लोगों को जवाब देना होगा, बेइज्जती होगी हमारी। देखिए शावेज का हक था, वो मुझसे नहीं करना चाहता शादी, उसने इनकार कर दिया। तो ऐसे किया जाता है, पहले इनकार कर देता, कह देता नहीं करनी है शादी, तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कमी थी? हालत तो हो गई ना गलती, और कौन सा यहाँ पे हजारों लोग हैं, सिर्फ मेरी दोस्त ही तो है, कुछ नहीं होता। पापा आप तो ठीक है ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि मैं घबरा जाऊं? नहीं मेरे बच्चे, मैं ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ।